आपने स्क्रॉल करना शुरू किया मोबाइल, किसी की बुराई है और एक एक सेकंड के वीडियो हैं इंस्टाग्राम वाले, सेक्स से रिलेटेड कोई चीज पड़ी है, रात में रहो सुबह देखो 15 मिलियन, फलाने फिल्म का कलाकार अमेरिका में नंगे देखेगा, एक नेगेटिव चीज किसी की सोशल मीडिया पे डाल दो मिलियन में व्यूज पहुंच जा। लालू यादव सामान्य परिवार से, भारत और बिहार की राजनीति पर दबदबा रहा उस आदमी का, चुनौती ही इतनी रही जीवन में, इससे भागना नहीं है, बिल्कुल नहीं भागना। दूसरी चीज विवेक को जो चीज जन्म देती है दूसरी, वो है सम्यक संदेह, अविश्वास नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ संदेह शब्द नहीं लिखा, सम्यक लिखा। तुम क्वेश्चन ही नहीं करते, देखो मुसलमानों की स्थिति, अगर उनके पैगंबर पर कोई क्वेश्चन कर ले नाराज हो जाते हैं, अरे भैया कोई क्वेश्चन कर रहा है आप उसको जवाब दो। क्यूरियोसिटी मन की भूख है, इसी क्यूरियोसिटी ने तो फिलोसोफर साइंटिस्ट पता नहीं क्या क्या पैदा किया। विवेकानंद जब स्वामी रामकृष्ण के पास पहुंचे नास्तिक, अब बेचारे रामकृष्ण परमहंस अनपढ़ आदमी, कभी स्कूल तो गए नहीं, वो कहां वाद विवाद करेंगे, तो उन्होंने अष्टावक्र गीता दी स्वामी विवेकानंद को पढ़ने के लिए। मैं तुमसे बार बार क्यों कहता हूं गीता बाइबल कुरान इनको पढ़ो, इन किताबों में भगवान नहीं है, विवेक को जन्म देने के रास्ते बताए गए हैं। बाइबल ने कहा धरती चपटी है, बोले हम पता करेंगे चपटी है कि नहीं, कुछ भी देखो ये देखना बहुत जरूरी, तुमने यार पूछना ही छोड़ दिया है, कोई कुछ पूछने वाला ही नहीं, कोई कुछ जानना ही नहीं चाहता, बस मास्टर पढ़ा दो। इलाहाबाद नाम कैसे पड़ा था, संगम प्रथा की शुरुआत कैसे हुई, कुंभ का मेला क्या है, कुंभ क्यों लगता है, अच्छे अच्छे लोग प्रयागराज में 30-30, 35-35 साल के लोग, नहीं पता, जानने की कोशिश भी नहीं है। क्या जानने की कोशिश है कि यार आईफोन 8 सीरीज की वॉच ले आया क्या यार, बढ़िया घड़ी है, ज्यादा देर तक देख लो तो आदमी फरिश्ता दिखाई पड़ने लगता है। एक टारगेट बनाओ कि मैं पर डे 3 नई चीज सीखूंगा, और अगर तुम मैक्सिमम 5 चीजें एक दिन में सीखे, तुम सीखने के लिए पढ़ते ही नहीं। हम चलो कहते हैं अरे पूरा नहीं पढ़ा है, कितना पढ़ोगे, मैं सिखाने वाला कोच हूं, मैं पढ़ाने वाला कोच नहीं हूं, मेरे ऊपर पढ़ाने का वो मत करो, मुझसे सीख लो और अपने पैर पे खड़े हो जाओ। सब दूसरे को देख रहे हैं, सब कबीर दास जी ने इसी बात को इतने प्यार से कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजूं अपना मुझसे बुरा ना कोई, यही बात है। आज सब दूसरे को देख रहे हो, सोशल मीडिया के दौर में एक नेगेटिव चीज किसी की सोशल मीडिया पे डाल दो मिलियन में व्यूज पहुंच जाते तुरंत, यानी इस देश का आदमी किसी की बुराई सुनने के लिए कितना आतुर होकर बैठा हुआ है। फलाने फिल्म का कलाकार अमेरिका में नंगे देखे गए, और 15 मिलियन, 15 मिलियन, रात में रहो सुबह देखो 15 मिलियन। अगर तुम YouTube की एल्गोरिथम चेक करो तो जितनी पॉजिटिव वीडियोस हैं उसके व्यूअरशिप बहुत कम है, और जितनी नेगेटिव वीडियोस हैं उनकी तो मिलियंस में। किसी की बुराई है, किसी को एक्सपोज कर रहा है, सेक्स से रिलेटेड कोई चीज पड़ी है, मिलियंस। स्कूल ने दो चीजें दी, एक डिसिप्लिन एक डायरी। ग्रेजुएशन में आते व्यक्ति दोनों छोड़ देता है, इसको आजादी मानता है। डायरी तुम्हें यह बताती है कि आज का दिन तुमने अपने लिए जिया या दूसरों के लिए जिया, बस इतना ही डायरी बताएगी तुम्हें। डायरी तुम्हारी डेस्टिनी बन सकती है, बस ईमानदारी से तुम पूरी दिनचर्या इसमें लिखो, पूरी दिनचर्या, और एक हफ्ते बाद यह देखो कि तुमने हफ्ते के 7 दिन दूसरों को दिया या अपनों को दिया। यह डायरी तुम्हारी डेस्टिनी बन जाएगी। ईमानदारी से रात में सोने से पहले पूरी दिनचर्या, यह बड़ी प्यारी चीज है। होश कहते ना, होश मन आई हो, अब चारा काट रहे हो, चारा काटते काटते मोबाइल देख रहे हो, हाथ घुस गया उसी में, एक आदमी चारा चला रहा है, मशीन चला रहा है, आप लगाए हो, दो लोग होते ना कोयर बालने में, एक तो जो आदमी चला रहा है मशीन और एक जो लगाए है, अब बरसीन लगाई तुमने और दोबारा ध्यान दूसरी तरफ है, और चारा जाते जाते तुम्हारा हाथ भी अंदर घुस गया, कहीं भैया होशम ना ही रहे। नहीं तो राजू जो है डायरेक्टर के बंगले के सामने पेशाब करता, 3 इडियट में जो राजू है देखो कैसे अपनी सारी अंगूठियां निकाल के पॉट में डाल देता है, जो भी उससे सवाल इंटरव्यू बोर्ड पूछ रहा है, कह रहा है ये आपको चोट कैसे लगी, कहता वो सामने मेरी स्कूल की बिल्डिंग है उससे मैं कूद गया था, कहता क्यों, कहता वो मैंने अपने डायरेक्टर के बंगले के सामने मैं पेशाब कर रहा था शराब पी के। इंटरव्यूअर्स कहते हैं कि यार देखो तुम बहुत फ्रैंक होके बोलते हो और हम अपनी कंपनी में इतना फ्रैंक आदमी नहीं रख सकते हैं,
थोड़ा सा अगर तुम बदलने का वादा करो तो हम तुम्हारी नौकरी में विचार कर सकते हैं। क्या डायलॉग देता राजू, कहता दोनों पैर तोड़वा कर होश आया है सर, अब इसको नहीं खोएंगे सर, आप अपनी नौकरी अपने पास रख लो, हम अपना होश अपने पास रख लेते हैं। आपने स्क्रॉल करना शुरू किया मोबाइल, कब 3 घंटा बीत गया आपको पता ही नहीं चला। बस आपने स्क्रॉल करना शुरू किया आपको पता ही नहीं चला कब 3 घंटा बीत गया। अब तो बेहोशी के इतने साधन है, अब सिर्फ नशा थोड़ी बेहोश कर रहा है कि सिर्फ नशे से लोग बेहोश हो रहे हैं, अब तो बेहोशी का नशे से भी बड़ा साधन बन गया है मोबाइल। 3 घंटा पता नहीं पूरी रात स्क्रॉल करते चले गए, क्योंकि दिमाग को नई चीजें देखने का आदी है, रिपीटेटिव चीजों को देख नहीं सकता। और एक एक सेकंड के वीडियो है इंस्टाग्राम वाले रील्स, एक एक सेकंड पर नई चीज आ रही है और दिमाग को नई चीजें बहुत पसंद है, वो बोर होगा ही नहीं, पूरी रात आप नया रील देखते रहे, नई नई रील। अगर एक रील आप पूरी रात देखो तो 5 मिनट बाद आप बोर हो जाओगे। नहीं नहीं, क्या साइकोलॉजी पकड़ा है मन की, रील्स रील्स आज शराब से भी ज्यादा खतरनाक हो गई है लोगों के लिए। ये विवेक के 4 भाई है, जब तुम मोबाइल देखना शुरू करो खड़े हो जाओ तो पैर में दर्द होने लगेगा ना, कम से कम 1 घंटे बाद तो होने ही लगेगा, खड़े होकर मोबाइल देखना शुरू कर दो। तो अगर लेट के 5 घंटा देख रहे हो तो खड़े होकर 1/2 घंटे ज्यादा नहीं देख पाओगे, क्योंकि शरीर याद दिला देगी कि पेन हो रहा है यार, पैर में दर्द हो रहा है यार, घुटने में दर्द हो रहा है यार। रटना नहीं है, क्यों? क्योंकि उसको चुनौतियों का सामना करने में मजा आ रहा है। अमेरिका जाने का पैसा नहीं, अमेरिका में रहने का पैसा नहीं है स्वामी जी के पास। आज का आदमी क्यों परेशान है? सबसे ज्यादा खुद के लिए काम करना चाहता है, खुद के लिए कोई करता ही नहीं। वृक्ष कबहु नहीं फल वखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुंदरा शरीर। मैं चाहता हूं विद्या से ज्यादा इस देश का आदमी विवेक पैदा करने पर जोर दे। और जिस दिन इस देश की 80% जनता विवेक से मजबूत हो जाएगी, उस दिन इस देश में आइंस्टीन अपने आप पैदा होगा, अब्राहम लिंकन अपने आप पैदा, भरमार लग जाएगी इसकी। इस देश को आज विद्या से ज्यादा विवेक की जरूरत।